हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। दिस इज मी एना हियर। तो गाइस, आप लोग ने इतना रिक्वेस्ट किया शिनचैन के गांव जाने के लिए, कासुकोबे में है और साइतामा प्रीफेक्चर में है, तो मैं जा रही हूँ अभी, निकल गया मोइना के घर से। और यहाँ से लगेगा मुझे 1.5 आवर का ट्रेन, फिर वापस भी सेम। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा नाम है शिनचैन है, मैं शरारत से बड़ा, बड़ी मुश्किल में बड़ी। शिनचैन प्यारा प्यारा, शिनचैन प्यारा, मतलब बचपन से बहुत शिनचैन देखते आ रहे हैं ना, तो मुझे भी बहुत पसंद है शिनचैन। तो चलिए चलते हैं। अभी मेरा जापान का ट्रिप जो है कंप्लीट होने वाले हैं, 1 मंथ पूरा होने ही वाले हैं, कुछ ही दिन बाकी है। तो अभी शिनचैन के घर देख के ही जाना है, मैंने तो सोच के रखा है। तो इसीलिए आई होप आज मुझे शिनचैन का सब कुछ देखने को मिलेगा। और मतलब डोरेमोन के समय में बहुत मुश्किल से हुआ था वो, तो अच्छा था कि अकीरा था मेरे पास, हेल्प हो गया था। तो देखते हैं आज कैसा जाता है मेरा सफ़र। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये रैपिड ट्रेन अलग रहता है और नॉर्मल ट्रेन अलग रहता है। तो वही 12:12 का शेड्यूल है, 4 मिनट पहले पहुँच गए। आई लाइक टू बी बिफोर टाइम। फाइनली कासुकोबे पहुँचने वाले हैं अभी। शिनचैन का म्यूजिक आ रहा है इधर। पागल कर दे जलाना। ओ माय गॉड, सो नाइस टू बी इन कासुकोबे। चलिए चलते हैं। देखिए शिनचैन, ये देखिए शिनचैन का ही म्यूजिक बजता है यहाँ पे, ये स्टेशन पे। जैसे ही दरवाजा बंद होने वाला होता है ये, तब शिनचैन का म्यूजिक बजता है। So cute, शिनचैन कितना प्यारा है। ये रहा, ये शिनचैन का ही स्टेशन है पूरा कासुकोबे। So let's go, I'm so excited. निकल गया मैं अभी स्टेशन के बाहर। मैं स्टेशन के बाहर तो आ गई हूँ अभी। आज भी मैं बिना प्लान का साथ ही आई हूँ क्योंकि मुझे ऐसे खुद ही एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए इतना बड़ा सा शिनचैन, कितना प्यारा है। ये देखिए गाइस, ये है पुलिस स्टेशन यहाँ का, और यहाँ पर भी शिनचैन का पोस्टर है। कितना प्यारा है ना, पुलिस स्टेशन भी यहाँ पर ऐसा होता है। सो क्यूट। पहले तो मैं थोड़ा सा इधर आसपास थोड़ा टहलूंगी, खुद ही शिनचैन को थोड़ा ढूंढने की कोशिश करूंगी। ये देखिए यहाँ पे भी शिनचैन है। मतलब जैसे डोरेमोन को ढूंढते समय थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, मतलब थोड़ा तकलीफ हुआ था ना, वैसा यहाँ पे नहीं हो रहा। यहाँ पे हर जगह शिनचैन ही शिनचैन है, छा के रखा है पूरा कासुकोबे। कितना प्यारा है। तो जो भी टूरिस्ट लोग आते हैं ना, उसके लिए ये शायद इन्फॉर्मेशन वाला वो है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो मुझे ऐसा, मैं ऐसा एज्यूम कर रही हूँ शिनचैन के लिए। कितना प्यारा। तो ये स्टोर के बाहर में आई हूँ, शायद यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए चल के देखते हैं। ये है स्टोर जो है, यहाँ पे शिनचैन का पोस्टर वगैरह लगा के रखा है। ये देखिए इधर भी, ये देखिए सो क्यूट। यहाँ भी देखो शिनचैन का फोटो है। तो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा टूरिस्ट। तो गाइस, ये है शिनचैन का टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन जगह। यहाँ पर इतना प्योर शिनचैन सब यहाँ पर लगा के रखा है, फैमिली शिनचैन और हिमावरी। देखिए कितना प्यारा। और यहाँ पर मुझे इन्फॉर्मेशन पता चला है, यहाँ पे लेजिट इन्फॉर्मेशन है, ये सारा दिया हुआ है। शिनचैन का म्यूज़ियम कहाँ है, क्रेयॉन म्यूज़ियम, एंड कहाँ पर इसका रेप्लिका कहाँ देखने को मिलेगा, ये सारा है। और ये रिवर भी कौन से नंबर पे है, ये सब मैप है यहाँ पे देखिए शिनचैन का। तो इट सीम्स बहुत सारे लोग चाइना से और कोरिया से आते हैं, तो उन लोग चाइनीज़ और कोरियन और इंग्लिश में गाइड मैप यहाँ पे लगा के रखा है। तो मैंने इंग्लिश वाला ले लिया है, और अभी मैं जाऊंगी देखने के लिए। कितना अच्छा लग रहा है। और बोल रहे हैं कि यहाँ पर शिनचैन का कोई स्कूल नहीं है और घर नहीं है, इट्स जस्ट अ रूमर। तो अच्छा हो गया, यहाँ पहुँचते ही पता चल गया। तो अगर आप लोग सोचते हैं कि शिनचैन का, डोरेमोन का घर असली वाला है, ऐसा नहीं होता है, वो बस रेप्लिका है। और ऐसा बोलते हैं कि थे करके, मतलब घर उसके जैसा है करके घर होते, लेकिन नहीं होता। तो ये मैंने ले लिया, ये वुड जो है बहुत हल्का सुविनियर है ये, बहुत मतलब कैरी करने में बिल्कुल हल्का है, एकदम बॉक्स जैसा, लेकिन ये एक बॉक्स है। सुविनियर बहुत फेमस यहाँ में कासुकोबे में। तो ये शिनचैन का स्टैंप लगाया है, 450 yen में मैंने ले लिया। और ये मैप दिया है, फ्री मैप है। तो ये लेके मैं अभी जाऊँगी शिनचैन को आप लोगों को दिखाने के लिए, क्रेयॉन वाला। थैंक यू, अरिगातो गोसाइमास। Thank you. You said there is no Shinchen house in, it's a rumor, right?
या तो आप लोग विश्वास हो जाओ, ये यहाँ का टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है तो इसने बता रहे। तो अभी मैं जाऊंगी ये मैप लेके आप लोगों को दिखाती हूँ। यस सर, कोनिचिवा। We love Indian curry. Yes. Really like. Yeah. You like Indian curry? Yes. Oh, we love Japanese and Indian people loves Japan. Okay, can you say konnichiwa Indian people? Konnichiwa. Okay, thank you. आप सबको हाई बोल रहे हैं। Okay. ये देखिए गाइस, पूरा गाइड मैप मिल गया मुझे। अभी मैं ये देख के जाऊंगी और यहाँ पे ऐसा भी लिखा है, I want you to walk around my town. So cute. चलिए वॉक अराउंड करते हैं शिनचिन के गांव पे। तो गाइस थोड़ा तो वॉक करना पड़ेगा क्योंकि शिनचिन चाहता है कि हम वॉक करके घूमें उसके गाँव। तो वॉकिंग डिस्टेंस में ही है सब कुछ, मज़ा आ रहा है। और अभी जो टूरिस्ट सेंटर पे जो लेडी थी शी वाज सो हैप्पी टू सी मी। उसने बोला कि इंडिया से कोई पहली बार आया है उसके टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन शॉप पे और बहुत अच्छे से मुझे गाइड मतलब इसमें बताया है, तो मैं ये फॉलो करके जा रही हूँ। एंड ऑल्सो वो शौक हो गई थी कि ओह इंडिया से इतना समय लगता है पहुंचने के लिए, कितना घंटा था फ्लाइट आवर्स ऐसा करके पूछ रही थी। देन आई टोल्ड हर 8 आवर्स लगा मुझे दिल्ली से टोक्यो का ऐसा करके। एंड देन हाँ शी अप्रिशिएटेड दैट ओके इंडियंस बहुत लोग जापान पसंद करते हैं करके। तो उसने भी बोला इंडियन करी बहुत पसंद है हमें ऐसा करके उसने भी बताया। सो या लेट्स गो, अभी हिस्ट्री म्यूजियम जा रहे हैं शिनचिन के, वहाँ पर बहुत कुछ देखने मिलेंगे। शिनचिन का क्रेयोन का पता है मेरा, ये तो भी बहुत हल्का उड़ गया पूरा। तो ये देखिए मैं यहाँ से आ गई हूँ, यहाँ पर शिनचिन का म्यूजियम बना के रखा है। चलिए चलते हैं अंदर। कोनिचिवा शिनचिन, या ओह सो स्वीट। ओह यहाँ पर ऐसा म्यूजियम है, वाह सो नाइस। यहाँ पर शिनचिन का स्टैम्प फ्री में मिलता है, लेकिन मेरे पास तो नोटबुक ही नहीं है मैं स्टैम्प लेने। ये देखिए ये वो लोग आपको ऐसा बुक भी दे देगा शिनचिन का, कितना प्यारा। मैंने सोचा था मैं तो नोटबुक ही नहीं लाया, देखिए तो उन लोग ऐसा देता है फ्री में है ये भी। ये देखिए यहाँ पे शिनचिन का स्टैम्प, कितना प्यारा, देखिए सब लगा सकता है। ये देखिए मैंने लगा लिया, कितना क्यूट है, कितना क्यूट। ये देखिए, ये देखिए शिनचिन और शेरू, कितना प्यारा। यहाँ पे ऐसे पोस्टर्स भी है, सो क्यूट। शिनचिन शिनचिन है मामारी, कितना प्यारा है। मैंने स्टैम्प ले लिया है और यहाँ में साथ में ये कासुकाबे का हिस्ट्री म्यूजियम है, तो वो 2-in-1 है। तो गाइस मैं चलते चलते इधर लाला गार्डन मॉल पे आई हूँ। यहाँ पर ये यूनाइटेड सिनेमास, यहाँ पर शिनचिन का मिल जाएगा, शॉपिंग सेंटर है। तो गाइस यहाँ पर लाला गार्डन पे 3rd फ्लोर पे आई हूँ। ये देखिए यहाँ पर है शिनचिन का म्यूजियम जैसा, यहाँ पे मैं शॉपिंग करूँगी शिनचिन का सुविनियर। और इसके जस्ट ऑपोजिट पे मंदिर रेस्टोरेंट है इंडिया का। ओ लगता है यहाँ पे जापानीज लोगों को इंडियन पसंद है खाना करी। एनीवे लेट्स गो अपना शिनचिन। देखिए शेरू और शिनचिन, चलिए चलते हैं। कुची पुची, ओह सो क्यूट सो क्यूट सो क्यूट, लेट्स गो। ओइंग प्यारा। ओह यहाँ पर पूरा गेम्स है शिनचिन वाला, ये उठाने के लिए। मैं तो कितना बार खेल चुकी हूँ, कभी मिला नहीं, कभी नहीं मिला, कभी नहीं। सो क्यूट सो क्यूट। ये देखिए शिनचिन का गाड़ी। कितना प्यारा है। तो ये देखिए यहाँ पे फोटो बूथ भी है, इसके अंदर जाके आप शिनचिन फैमिली के साथ में ऐसे फोटो क्लिक कर सकते हो, कितना प्यारा है। सो क्यूट। ये देखिए शिनचिन शेरू हिमावरी। हाँ कितना प्यारा है, इसके साथ तो फोटो बनता है। और यहाँ से कुछ शिनचिन को क्यूट क्यूट सा ये सब सॉफ्ट टॉय खरीद के मैं जाऊंगी सुविनियर। कितना प्यारा कितना प्यारा कितना प्यारा। यहाँ में हर चीज शिनचिन के है। यहाँ पे ये देखिए प्यारा प्यारा पाउच है, कितना प्यारा प्यारा है। शेरू का भी शिनचिन का भी सब हिमावरी का भी ऐसा पाउच है बच्चे लोगों के लिए। सो नाइस, सॉफ्ट टॉयज भी कितना प्यारा प्यारा है, हर चीज़, इवन ग्लास मग हर एक चीज़। हमें टॉवल भी हैंकरचीफ शिनचिन का है, ये देखिए सो क्यूट सो क्यूट। ये देखिए हिमावरी का कैप, ये देखिए
सो नाइस सो नाइस। देखिए शिनचैन कुकीज, ये कुकीज में भी इवन शिनचैन का ये प्रिंट है, सो क्यूट, जिसको तो खाने का भी मन नहीं करेगा, सुविनियर के लिए रखेगा घर में। गाइस मैं सुविनियर बस ये शिनचैन का सॉफ्ट टॉय, शेरू का और हिमावरी, ये तीनों का ले रही हूँ। इतना महंगा है हमें, मतलब हर एक चीज जो है 1500 के ऊपर है, तो ये तीनों मिला के भी मेरा 3-4 हज़ार तो जा रहा है। बट आया है तो आई जस्ट टेक दिस फॉर ऐसे घर में प्यारा से सजा के रखने के लिए। ना क्यूट क्यूट है, आई कांट रेजिस्ट, सो क्यूट। इतना लेने का मन हो रहा है, बट इट्स सो एक्सपेंसिव, इतना प्यारा है, इतना छोटा छोटा हो गया, इट्स सो एक्सपेंसिव। एक का 700 करके, इवन फ्रिज मैग्नेट्स भी इतना ज़्यादा महंगा है यहाँ पे, तो क्या करूँ। बट यही ले रही हूँ मैं, छोटा सा शेरू, हिमावरी और शिनचैन, घर पे सॉफ्ट टॉय सजा के रखने, और ये सब है सब बैग में लगाने के लिए। ओह सो क्यूट। इस बहुत सोचने के बाद मैंने ये सिलेक्ट किया है, ये 5 फैमिली को ही उठा लिया पूरा। सो क्यूट। मैंने 5000 येन का शिनचैन का सुविनियर यही ले लिया, फैमिली बस लिया है, और फोटोज बहुत सारा लिया है। यहाँ से मैं निकल रही हूँ अभी। ओके बाय, अरिगत्तो गोज़ाइमास। कितना प्यारा है यहाँ पे, एवरीथिंग इज अबाउट शिनचैन। यहाँ पर आएगा तो आपका मन भर जाएगा, बस यही है और कुछ, मतलब इतना यहाँ पे खास नहीं है। बस ये है कि कासुकाबे जो है ये शिनचैन का गांव है, तो इसलिए यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे घूमने आते हैं। कासुकाबे शहर सोचते हैं कि शिनचैन का पूरा घर जो है वो देखने को मिलेगा, बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। बस यहाँ पर मतलब लोग ढूंढते हैं शिनचैन का घर जैसा, वैसे तो मिल जाते हैं शिनचैन का घर जैसा वाला घर, तो अभी चलते चलते आप लोगों को दिखाती हूँ शिनचैन का जैसा वाला घर। शिनचैन जैसा बच्चा बहुत है। इधर जाने से पहले अपना ये इंडियन रेस्टोरेंट मंदिर थोड़ा सा देख के जाते हैं। चलिए इस जाने से पहले मैं यहाँ पर लस्सी पीने आई हूँ, मजा आ रहा है। ये देखिए गाइस शिनचैन जैसा घर, यहाँ पे तो हर घर शिनचैन जैसा घर ही है, डोरेमोन शिनचैन का घर जैसा सेम ही है। तो मैं अभी ये लाला गार्डन से निकल गई हूँ, अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा गांव और शिनचैन का गांव और थोड़ा ऐसा टूर करा के निकल जाऊंगी वापस। यहाँ पे साइकिल ही साइकिल चलता है, मतलब साइकिल सब लोग डेली यूज के लिए चलता है, बहुत ही ज्यादा कम्फर्टेबल है ना। ये देखिए सब घर शिनचैन घर जैसा ही लगता है मुझे तो। इधर ये देखिए शिनचैन जैसा गाड़ी, यहाँ पे यही अच्छा है, लोग मतलब यहाँ पे ट्रैफिक लाइट नहीं होने से भी ना गाड़ी लोग इंसान को प्रायोरिटी देता है, रुक ही जाता है और बोलते हैं कि तुम ही पहले क्रॉस करो फिर हम क्रॉस करेंगे। ऐसे यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हम्बल है, बहुत ज़्यादा। तो ये रहा स्टेशन, मैं वापस पहुँच गई हूँ। जापान में तो सब्जी का कीमत बहुत ज़्यादा है, मीट चिकन उल्टा लेस एक्सपेंसिव है वो सब्जी से। तो आप लोग अगर शिनचैन देखता तो देखता होगा कि शिनचैन का मम्मी कैसे स्पीड से भागता था जब भी सेल लगता था यहाँ पर सब्जी का। या सो दैट आई कैन रिलेट नाउ व्हेन आई एम लिविंग इन जापान। एक्चुअली हर चीज़ इतना ऑर्गेनाइज है ना यहाँ पर जापान पे, तो लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर जीने के लिए, क्योंकि एवरीथिंग इज़ सो ऑर्गेनाइज कि मतलब भले ही व्हाटएवर आप कौन सी भी एज के हो, इट्स ईजी। बच्चे से लेके मतलब बच्चे लोग खुद स्टेशन में जाते हैं, खुद ही छोटा से इतना इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, खुद ही कॉलेज जाते स्कूल जाते हैं ऐसा, और नाना नानी वाले एज भी दे कैन स्टिल टेक द ट्रेन, वॉक करो जाओ, तो इसीलिए बहुत फिट रहते हैं जापान के लोग ओवरऑल, ये मेरा एक्सपीरियंस है। एंड ये देखिए कासुकाबे स्टेशन शिनचैन, तो मैं जैसे आई थी वैसे वापस जा रही हूँ। ये देखिए आ गया ट्रेन, म्यूजिक बजने से ठीक है, मैं सोच रही हूँ दरवाज़ा खोलता है बंद होता है तो शिनचैन वाला। ये देखिए हाई स्कूल किड्स, मैं अभी स्टेशन पे हूँ और ये देखिए शी इज जस्ट क्लास 4 बच्चा, कितना क्यूट है, इंग्लिश नहीं आते लेकिन फ़ोन में ट्रांसलेट करके मुझसे बात कर रही है और मैं उसके एज पूछ रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि क्लास 4 का बच्चा हाउ ओल्ड शी विल बी, और देखिए प्लग्स लिया, टिफिन लिया, अकेले ट्रैवल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे है छोटा बच्चा से साथ, मतलब छोटे बच्चे से इन लोग अकेला ट्रैवल करते हैं, देखिए कोई चिंता नहीं है, हाउ सेफ इज जापान, और कितना इंडिपेंडेंट बनाते हैं बच्चे इतने छोटे बच्चे के समय से। हमारे समय तो हमको हॉस्टल में डाल दिया होता था, या तो मतलब स्कूल बस में भेजेगा या स्कूल तक ड्रॉप करेगा ऐसा होता था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है जापान पे, छोटा से बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं। ये देखिए ये बता रहे मुझे जापानीज में ट्रांसलेट करके, आई एम गोइंग टू क्रैम स्कूल, ओ नाइस नाइस। वो बता रही है कि शी इज जस्ट 10 ईयर ओल्ड, कितना क्यूट है। ट्रांसलेट करके बात कर रहे हैं, ट्रेन बस आते ही होंगे अभी। तो गाइस मैं स्टेशन पहुंच गई हूँ, आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ।
रिचार्ज कैसे करते हैं अपना स्विका कार्ड को। तो मेरे पास तो आईसी कार्ड है, स्विका कार्ड नहीं है। वेल काम तो एक ही करते हैं, तो मैं दिखा देती हूँ। मैं ये, सो दिस इज़ माई आईसी कार्ड। मैं ये अभी यहाँ पर रख दूँगी ऐसा, और रुको एक सेकेंड, इसको इंग्लिश करती हूँ पहले। गाइडेंस विल बी डिस्प्लेड इन इंग्लिश एट वैल्यू। ठीक है, अपना कार्ड यहाँ डालती हूँ। ले लिया। तो अभी यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, तो मैं पहले 1000 का करती हूँ, 1000 येन का, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कॉइन्स है ना, कॉइन्स बहुत जल्दी जल्दी मिल जाता है, इसलिए ये 500 500। तो इसको यहाँ पर डालना है, ऐसा हो गया, डाल दिया, तो वो पैसा वो कार्ड में घुस जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी 5373 बैलेंस है, इसको मुझे थोड़ा बढ़ती करके रखना है, क्योंकि हर समय काम आता है ना, इसीलिए ऐसा करता है। गाइस घर जाने से पहले मार्ट में आ गया, कुछ कुछ सामान ले लिया, चिकन वगैरह। मुझे कुक करने के लिए बहुत अच्छा लगने लगा है, मोइना के लिए, वो बहुत खुशी होती है, तो मुझे उसका खुशी देख के अच्छा लगता है। एनीवे अभी मोइना को मिलूंगी मैं ये सामान लेके, वो बोल रही है मुझे सनसेट दिखाने ले जाएगी, और मेरे लिए ऑफिस भी जल्दी छुट्टी कर रही है, वो अभी जा रही है। सो स्वीट ऑफ हर। तो शो यू गाइस इन सम टाइम। ये आईसी कार्ड का यही मज़ा है कि ये मार्ट में भी चलता है, एक बार रिचार्ज करो। अरिगातो गोज़ाइमासु। ब्यूटीफुल सनसेट, 6 बजने को है शाम का, एंड दिस इज़ द व्यू ऊपर से। सामान लेके आ गया, सो टायर्ड। आई गो इसका घर में ना ऐसा होता है, मैं ना इसको दबाऊंगी ना, और यहाँ भी कैमरा है तो मेरा चेहरा रिकॉर्ड हो जाता है उसका, उस सेफ्टी रीज़न के लिए, और वो रहेगा मेमोरी पर, रह जाएगा कौन आया था वैसा। वो पूरा गैलरी भी मैं दिखाती हूँ अभी आप लोगों को। प्लास्टिक फट गया। ओह माय गॉड, थक गया, बहुत थक गया। रुको अभी हम दिखाएगा। ये देखिए मैं पहुंच गया, तो यहाँ पे पहले कौन आया था वो सब पूरा दिखता है, मतलब ये हैंग हो गया, छोड़ो। लेकिन यहाँ पे ऐसे ऐसे दबाने से अभी, तो ये अभी का व्यू दिखा रहा है, अभी कोई नहीं है बाहर। तो गाइस हम लोग वॉक करने आ गए हैं, ये पीछे साइड में है, ये थोड़ा गांव लाइफ है, और पीछे उस साइड में मैं आप लोगों को सिटी साइड दिखाया था, तो इस साइड में ऐसा है। माउंट फूजी का व्यू है, ये देखिए माउंट फूजी। मैं फिर से आऊंगी विंटर को, तो आप लोगों को और सुंदर से विंटर का नज़ारा पूरा जापान पूरा दिखाऊंगी आप लोगों को। और ये देखिए, ये है वेजिटेशन यहाँ पर करता है, गवर्नमेंट लोग यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। कितना सुंदर दिख रहा है ना ये लाइट हाउस भी, विद माउंट फूजी। हाँ, तो मैं और एक दो महीने बाद फिर से आने वाली हूँ जापान, तो डोंट वरी। आप लोग जो लोग भी बोल रहे हैं कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, जापान ब्लॉग्स खत्म मत हो, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं ना, विंटर को आऊंगी फिर मजा अलग होगा। अभी जो हो रहा है ना उससे अच्छा और विंटर को दिखने मिलेगा, ये पूरा स्नो कैप माउंटेन्स दिखने को मिलेगा, और ये माउंट फूजी में भी पूरा स्नो हो जाएगा। तो गाइस देखिए हम लोग जंगल जा रहे हैं, मजा आ रहा है, और सामने एक रिवर है, तो वही हम लोग रिवर के पास जा रहे हैं ट्रैकिंग करके जंगल से, यहाँ से। वाह, चलो चलो, लेट्स गार्डनिंग है ये जगह। वाह, मेडिटेशन ऐसा लगेगा कि जो हम लोग मोबाइल पे बजाते हैं ना मेडिटेशन का म्यूजिक, हाँ, तो नेचुरली सुनने को मिलेगा। वही वही, वाह मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है अपने गांव में पहुंच गया। ब्यूटीफुल। वो कहते हैं ना गाइस, घर वही होते हैं जहाँ आपका दिल होता है। मुझे तो मेरा घर मिल गया जैसा लग रहा है, इधर भी कहीं कोने पे, ताचिकावा, टोक्यो, जापान, होम अवे फ्रॉम होम, ऐसा फील कर रही हूँ। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। ओ वाओ, कैसा लगा है ना? बहुत मजा आया, थैंक यू मोइना, धन्यवाद। देख दो इधर। तो गाइस अभी हम लोग घर जाने से पहले यहाँ पे ओके मार्ट आए हैं चावल खरीदने, हमें चावल बहुत सस्ता मिलता है इसीलिए। और ये देखिए यहाँ पे ट्रॉली है, यहाँ पर 100 रुपये डालने, 100 रुपये मतलब 100 येन डालने से ये खुल जाता है। ओह, 100 येन डालने से खुल जाता है, और वापस 100 यहाँ पर जब डालेगा तो 100 येन वापस मिल जाएगा, मतलब रेंट पे मिलता है 100 येन पे ये। हाँ, चावल लेने आए। तो गाइस बेसिकली यहाँ पर महीना भर का राशन उठाने के लिए लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाकी जो मार्ट होते घर के सामने में, फैमिली मार्ट वगैरह, बाकी जो भी मार्ट होते
उसमें से यहाँ पे बहुत सस्ता में मिलता है, जैसे हम लोग बिग बाजार जाते हैं ना सब एक बार में उठाने, वैसे वाले मार्ट है ये, तो ओके मार्ट बोलते हैं इसको यहाँ पे। तो यहाँ में जैसे पूरा मतलब क्या होता है, 5 kg का चावल जो है 1553 yen में मिलता है, जबकि 2 kg का चावल जो है वो नॉर्मल वाला मार्ट से इतना रेट में मिलता है, मतलब यहाँ पे -50% बोल दो ऐसा रेट पे मिलता है, तो विच इज़ गुड। तो यहाँ से मोइना उठाती है फ्राइडे सैटरडे को उठाती है यहाँ से, बट मैं जो आज दिन को गई थी ना वो मार्ट, वहाँ पे महंगा है, वहाँ पे बहुत महंगा है, तो मैंने सब्जी वब्जी तो आज के लिए ले लिया, तो बस हमको चावल ही चाहिए, तो ये चावल उठा रही है अभी। ये और सस्ता है और सस्ता ना, ओ पूरा भर के ले लिया हम दोनों, मज़ा आ रहा। क्या लेने आए थे? सिर्फ चावल लेने आए थे, सिर्फ चावल लेने आए थे, क्योंकि सब्जी तो हम ले ही लिया था दिन को ना थोड़ा बहुत, लेकिन हमने फिर भी सब्जी ली और धनिया भी लिया यहाँ, और ये मेरे लिए लिया, ये देखिए रूम स्लीपर कितना प्यारा है। ओ यहाँ पे डाल के वेट मेजर करते हैं, अभी यहाँ पे पेमेंट करता है, ये देखिए ऐसा करके खुद से पेमेंट करना होता है, उन लोग वहाँ पे ऐसा डाल के देते हैं, और प्लास्टिक भी ऐसे दे देते हैं खुद से, ये कोना में जाके प्लास्टिक में सामान डाल के जाना पड़ता है। और यहाँ कार्ड डाला है उसका, उसको तो यहाँ का कार्ड है ना, क्योंकि वहाँ यहाँ पे वर्किंग है, उसके बाद यहाँ पे पेमेंट करेगा। टोटल हुआ 6808 yen ना, ये है ना बिल। हाँ तो ऐसा करके, और जिसको कैश पेमेंट करना होता है यहाँ पे कैश डालते हैं, और यहाँ पे कॉइन डालते हैं, और रिटर्न यहाँ पे निकल जाता है। ओके, इतना कुछ सामान लिया है, इसका टोटल मतलब 6000 प्लस हुआ है, तो विच इज़ ओनली लाइक अराउंड 4000 रुपीज़ हम लोग INR में, जबकि मैं जो आज दिन को जो मार्ट में गई थी उसमें अगर लेता तो ये सारा का बिल 15000 yen ऐसा होता, मतलब आप माइनस कर दो 10000 yen जैसा, तो विच इज़ वेरी नाइस। ओके मार्ट चेक लिस्ट चेक चेक। तो गाइस घर आ गया है, आई एम कुकिंग, ये देखिए चिकन कितना टेस्टी दिख रहा है, आई एम कुकिंग चिकन चिली और यहाँ पर ब्राउन चिली, और आलू फ्राई के लिए तैयार हो रहा है, और महीना बैठा है इधर प्यारा सा चेहरा लेके। ऑब्सेशन क्या है मास्टर शेफ क्या करिए क्या खाना सीख रहा है बनाने के लिए? खाना नहीं सीख रहा है, शेफ को देख रहा है। लड़का में ये क्वालिटी होना है, कुकिंग आना चाहिए, मोइना का प्रेफरेंस है यहाँ ऑब्वियसली। तो गाइस घर पे आ गया, कितना अच्छा लग रहा है, हम दोनों बैठ रहे हैं खाना वाना खा रहे हैं, और आज फ्राइडे है तो हम दोनों टाइम स्पेंड करते हैं, कल सैटरडे इसका छुट्टी। तो यस गाइस व्लॉग यहाँ खत्म करते हैं, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डे। मैं आज शिनचैन के गांव गया कासू कबे, आप लोगों ने बोला कासू कबे जाने के लिए, कासू कबे गया, और उसके बाद अभी घर वापस आ गया। इट्स अ नाइस डे एनी वे, इट्स अ वेरी नाइस डे, वेरी नाइस डे, बट आई वॉज वर्किंग ऑल डे। तो व्लॉग यहाँ पर खत्म करेंगे, ये सो आज व्लॉग मोइना खत्म करेगा, चल कैसे खत्म करेगा ना, बोल के देखो एंड यू नो व्हाट टू डू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, गुड नाइट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय 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 बाय, थैंक यू।